बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था जी सुबह का टाइम और रूटीन में थी कलौंजी, तो मैं नॉर्मल वाटर के साथ कलौंजी ले लूँगी दो चुटकी के करीब। और बस फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। नाश्ता क्या, लंच ही कह लेंगे, सिर्फ समझ कुछ नहीं आ रहा था। तो मेरे पास थोड़ा सा चने का सालन पड़ा था लेफ्ट ओवर, मैंने सोचा इसके अंदर जो है वो चावल डाल लिए जाएँ। और मैं नॉर्मल तड़का लगा के प्याज टमाटर का चने डाल दूँगी, और जब वो फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं मतलब भून हो जाएंगे तो मैं चावल डाल दूँगी पानी डाल के। इस बॉक्स में एक में दही है, एक में अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये चटनी है, मैंने फ्रीज़ की हुई थी तो मैंने आज निकाल ली है। और ये कुछ सैलेड का सामान है। और आज मुझे भिंडी बनानी है, तो जब तक चावल बनेंगे मैं साथ साथ सब्ज़ी भी कट कर लूँगी। दूध है, चाय बना लूँगी, और साथ में मैं अपने लिए बना लूँगी शामी कबाब। मैं जब अकेली होती हूँ ना तो चावल मैं थोड़े डार्क कलर के बनाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और आपने चावल को कितना तेज़ रंग देना है ये प्याज पर डिपेंड करता है। अगर आपने ज़्यादा तेज़ कलर देना है तो प्याज को आपको ज़्यादा ब्राउन करना पड़ेगा। और यहाँ मैंने सालन के लिए भी टमाटर और मिर्ची वगैरह कट कर ली हैं, साथ ही मैं सब्ज़ी भी कट कर लूँगी क्योंकि काम फिर ईजी हो जाता है। यहाँ मैं दे दूँगी चावलों को दम। इतने में हो गई थी असर की अजान, क्योंकि आज कल रूटीन जो है खाने पीने की मैं 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और चाय मैंने रख दी थी लेकिन मैं उसे बाद में पका लूँगी नमाज़ पढ़ने के बाद। असर की अजान हो गई थी, दम पे रख दूँगी चावलों को और नमाज़ पढ़ लेंगे। किचन में आप खड़े हो तो साथ साथ काफ़ी काम सिमट जाते हैं। यहाँ बस सब्ज़ी भी मैंने कट करके रख ली है, तो यहाँ जी भिंडी है, प्याज है, और टमाटर मिर्ची वगैरह, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे ढक देंगे। टमाटर मैंने कट किया ना तो उसका गूदा लगा हुआ था, मैं ये उतार रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। और साथ ही जी वो मैं शामी भी जो है वो बाद में फ्राई कर लूँगी। बस मैं नमाज़ पढ़ के सफाई कर ली मैंने, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है खाना खाने से पहले जो है वो मैं काम कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा, सफाई वगैरह वाले तो स्पेशली। फिर उसके बाद बंदा फ्रेश होकर जो है वो ईज़िली बैठ के अपना मील इंजॉय करता है, वरना दिमाग में यही चल रहा होता है कि अभी ये काम भी पड़ा है, ये काम भी पड़ा है। बस फिर उसके बाद मैंने चाय भी बनाई थी और कबाब भी फ्राई कर लिया था, साथ में जो अंडा था वो भी फ्राई कर लिया। और चावल अभी ज़्यादा है, ये मैं पूरे नहीं फिनिश करूँगी, आधे खाऊँगी इनमें से और आधे रख दूँगी। बस यही बनाए थे मैंने, आधी प्लेट जो है वो बनाए थे चावलों की। और यहाँ हो रहा था टाइम जी शाम के कुछ 6:30 बजे का, तो मैंने हंडिया रख दी थी। प्याज को मैं ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करूँगी, बस इस तरह वाइट वाइट ही होगा जब मैं इसमें टमाटर वगैरह डाल दूँगी। इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, लाल मिर्च मैंने नहीं शामिल की, हरी मिर्च है, ज़ीरा है, नमक है, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट। बाकी सब्ज़ी वगैरह मैं बनाऊँ नॉर्मली तो उसके अंदर मैं ज़्यादा गर्म मसाले वगैरह ऐड नहीं करती। सालन आप जो भी बनाएं, जब तक उसका मसाला मज़े का नहीं बना होगा ना, सालन में जायका नहीं आएगा। मैं क्या करती हूँ, टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालती हूँ और इसे ढक देती हूँ। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं तो अच्छे से उन्हें मैं पीस लेती हूँ लकड़ी के चम्मच की मदद से ही, और मसाला जब तक अपना ऑयल ना छोड़ दे तब तक मैं इसमें सब्ज़ी शामिल नहीं करती। सालन का टेस्ट जो है वो मसाले की वजह से ही इन्हेंस होता है, तो इसलिए मसाला भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया करें। बस अब मैंने इसके अंदर भिंडी डाली है, इसे मैं हिला लूँगी और इसे मैं दम वाली आँच पर बस छोड़ दूँगी। क्योंकि जब आप भिंडी को ज़्यादा हिलाते हैं ना, चम्मच चलाते हैं ज़्यादा बार बार हंडिया में, तो वो टूट जाती है और दूसरा वो लेसदार बनकर तैयार होती है। इसलिए आपने ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा डालना है और इसे दम वाली आँच पर छोड़ देना है ताकि ये खुद ही पक जाए, ज़्यादा चम्मच आपको ना चलाना पड़े और इसमें लेस ना बने। दम पर मैंने इसे छोड़ दिया था कुछ 20 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद मैंने आके चेक कर लिया था, एक दफ़ा चम्मच हिला लिया था और फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो सालन हमारा बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार हो चुका था। भिंडी देखें, कोई टूटी नहीं है, लेसदार नहीं है और पक भी चुकी है अच्छे तरीके से। ऑयल जो भी है, एक्सेस ऑयल जो होता है वो मैं सालन एक साइड पे कर लेती हूँ, तो हंडिया की दूसरी साइड पे जो ऑयल होता है एक्सेस वो हमारा आ जाता है, तो मैं उसे निकाल के रख लेती हूँ और दूसरी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लेती हूँ। बस फिर हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो मैंने बना ली थी रोटी और भिंडी के साथ हम खा लेंगे। तो फिर जी करने चले जाएंगे वॉक, और वॉक के लिए जहाँ जाते हैं नॉर्मली वहाँ गए तो वो बंद था एरिया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है बहरीन में, तो वहाँ पानी जमा था, तो इसलिए दूसरी जगह वॉक कर कर आ गए थे। और फिर आके मैंने ले लिया था अजवाइन वाटर। अजवाइन मैंने शाम में ही सोख करके रख दी थी, तो इसे मैंने स्ट्रेन करके ले लिया है। अब देखें, रूटीन मैंने स्टार्ट की थी 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को जो है वो मैंने नहीं की,
तो मैं यहाँ पर जो है इसको कट करके लिख दूँगी 16 मई और 17 मई, क्योंकि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का शेड्यूल मैंने बनाया था ना, तो अब 15 मई तक तो हो गया, अब 17 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 17 मई तक हमारा ये शेड्यूल जो चलेगा। 15 मई यहाँ तक लिखा हुआ है और जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे उनका मैं ऊपर लिख दूँगी। और 17 अप्रैल से यानी कि मैंने स्टार्ट किया, वर्कआउट मैंने कर लिया था, ड्रिंक भी मैंने ले लिया था। फर्स्ट मील में मैंने लिए हैं राइस और चाय, शामी लिया है साथ में। स्नैक्स में मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि तकरीबन टाइम था जब मैंने लंच किया 4:45 बजे का, तो इसलिए स्नैक्स का तो फिर टाइम ही नहीं बचता था। और खाना हमने खा लिया था 7:45 बजे तक। डिनर में मैंने रोटी और सब्ज़ी ली है, वॉक मैंने कर ली है और ड्रिंक भी मैंने ले लिया है। ये टाइमिंग मैंने यहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग की लिखी हुई है 2 से लेकर 8 बजे तक की, लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो रहा है, रूटीन इस तरह से सेट है कि 3 बजे से स्टार्ट हो रही है, 3, 3:15, 3:30 बजे से जो है वो मेरा फर्स्ट मील स्टार्ट हो रहा है। और कोशिश तो मेरी यही है कि 8 बजे से पहले खा लूँ, रात का खाना 8 बजे के बाद नहीं खाती हूँ। तो ये था जी मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट लाजमी करेंगे कौन कौन फॉलो कर रहा है इस रूटीन को मेरे साथ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।